खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुख करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पैसे लेकर एक कारोबारी को पासवर्ड देने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई। संसद से लॉग आउट होने के बाद भड़की महुआ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, तो बीजेपी ने भी प्रहार किया है। महाभारत से लेकर रामायण तक का जिक्र हो गया। बहरहाल महुआ के लिए अच्छी बात ये रही है कि उनके समर्थन में ममता बनर्जी भी दिखी और सोनिया गांधी भी। अब संकेत है कि महुआ को इंडिया गठबंधन मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगो, यू डोंट हैव द पंजाब, सिंध इज नॉट आवर्स। महुआ एमपी फॉर द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कैश और करी इन पार्लियामेंट आ गई है, देखेंगे। अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है, और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang Mahua herself should be allowed to speak. And I think it's fair because she is most affected and she should stand up and fight for herself. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। संसद की सदस्यता गई तो महुआ खूब गर्जी, एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सवाल उठाया, सदन के फैसले को निराधार बताया। अंदेशा था कि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए पहले ही खुद को द्रौपदी बताते हुए महाभारत की चेतावनी दे चुकी थी। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, अशोत्तेर काछे कहु नतो नाही करो शीर, भय कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहां तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर दो संगीन आरोप लगे थे। पहला तो ये कि संसद सदस्य के तौर पर उनकी ओर से जो सवाल पूछे गए वो असल में कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी ने पूछे थे। आरोप ये भी कि महुआ ने इसके लिए संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्हें दिए। उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। And she has traveled more than 36 times to various other places. आनंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते ही क्या है? The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. And there is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. महुआ के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के पास बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी। जब कमेटी ने महुआ को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया तो वो थोड़ी देर में ही नाराज होकर निकल गई। सबूतों के आधार पर एथिक्स कमेटी ने सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की और शुक्रवार को लोकसभा की करीब आधे घंटे की बहस के बाद प्रस्ताव मंजूर हो गया, लेकिन विपक्ष उखड़ गया। ममता बनर्जी तो हमलावर है ही, इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाले अधीर रंजन चौधरी को भी ये फैसला नागवार गुजरा। And how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. Tanasahi sharup apnate huye. आज ये एक क्रूर नजीर पेश होने जा रहे हैं। नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है। विपक्ष महुआ के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव भी करीब है। कहने की जरूरत नहीं है कि संसद सदस्यता रद्द किए जाने को मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। अपनी तरफ से बीजेपी भी इसे टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सौभाग्य से ये महुआ को मजबूत ही करेगा। इस मामले में इंडिया गठबंधन का एक साथ खड़ा होना एक और अच्छा संकेत है। आज एथिक्स कमेटी ने पूरा उनके बात सुना था, बहुत बार उनका बात भी सुना, वो लोग जो डिसाइड करके रिपोर्ट दिया उसका परीक्ष में सभा ने ये डिसीजन लिया, और हम लोग चाहते हैं कि
देश का सुरक्षा के विषय को लेके कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम पूरा ये जो डिसीजन हुआ है सभा में, हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। महुआ दावा कर रही हैं कि इस मुद्दे पर वो लड़ाई जारी रखेंगी, पर 24 के चुनाव तक इस मुद्दे को प्रासंगिक बनाए रखने की बड़ी चुनौती विपक्ष के कंधों पर ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।